नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक आ रहा है, उसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। उसी मद्देनज़र उद्धव जी आज जो है मातोश्री में नाना पटोले को बुलाए, यानी नाना पटोले जो है मातोश्री पहुंचे और दोनों ने सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई है। और वहीं पर तीसरी जो महाविकास आघाड़ी तीसरी जो पार्टनर है पवार साहब, शरद पवार जी, वो नहीं पहुंचे। यानी क्यों नहीं पहुंचे, प्रतिनिधि क्या है, क्या है इसके पीछे रीजन और क्या है पूरी तैयारी, इसी पर हम डिस्कस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल ठत्री से। और जानेंगे कि लोकसभा में इंडिया की जो है 48 सीट जो है किस तरह का वो देख रहे हैं। सर आप बताइए, सर आप जो है ज़्यादा हम जानकारी देते हैं लोगों को, ज़्यादा जानकारी देते हैं पर्दे के पीछे की, पर्दे के आगे की जानकारी तो मैं बता देता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे जानकारी तो आप ही देते हैं। तो मैं पर्दे के पीछे जानना चाहता हूँ कि उद्धव जी के साथ में मातोश्री में पटोले साहब पहुँच के काफ़ी ऊपर नीचे किए होंगे सीट को लेकर, 48 सीट को लेकर, लेकिन तीसरी जो पार्टनर है उनकी महाविकास आघाड़ी की, वो तो आगे पीछे कहीं दिख नहीं रही है, क्या लगता है आपको? सर कैसे है ना कि मतलब फिजिकली तो बेचारे थक गए हमारे उद्धव ठाकरे, पॉलिटिकली भी अभी वो थक गए हैं, वीक हो गए। अभी वो जोर शोर से बोलते हैं मगर वो पहले कैसे है ना सर, मराठी में आरोही और किंचाळी इसमें फर्क है। आरोही वो होती है कि जो जागाती है जी, वो प्रेरणा देती है। गर्जना होती है वो दुनिया को थर्राट देती है। मगर किंचाळी जो होते हैं वो बचाओ बचाओ SOS बचाओ बचाओ की किंचाळी होती है। पांचवा हेल्प मी। तो अभी ये जब भी बोलते हैं तो एक तो रड़गाना गाते हैं जी, रड़गाना शब्द है क्या हिंदी में? रोता हुआ गीत, रुदाली जैसा गीत, रोने का गीत, वो तो गाते हैं। माजी पार्टी पड़ोदी माजे चिन्ह पड़ोल, ऐसा ऐसा ही सब वो रोना धोना रहता है। तो असल में उनका उबाठा जिंदा है मगर वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे उबाठा भी छीन गया उनसे, ऐसा ही रोते हैं अभी। और उनका कोई साथी नहीं रहा, कैसे है ना, ये बात तो पक्की होगी कि सुप्रिया सुले ने शरद पवार को मना दिया है कि इसको अभी हटा दो, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय ने सर, टाटा बाय बाय ना, वो प्यार से होता है टाटा बाय बाय, अरे चल क्या बात, चल अरे चल, ठक 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 ठक, ये होता है। वो कर दिया है सुप्रिया ने उनको, है चल 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 चल, चल आ रहा आ रहा। सब भिखारी को कैसे करते हैं कुछ लोग, वैसा है वो, उले जा रहा, अगले दरवाजे पे जाओ, अगले गाड़ी पे जाओ, ऐसा बोलते हैं। वैसा उसको सुप्रिया ने वो कर दिया है और बाबा को भी उसके बोल दिया है कि जाने का नहीं, इनसे संबंध ही मत रखो। वो बोलते हैं कि अभी 2.5 साल तक उन्होंने जो खाया उसमें अपने को भी मिला है जी, ऐसा नहीं कि ज्यादा मंत्री ने खाया नहीं, आरोप ने ज्यादा भी खाया, आरोप तो ज्यादा ही लगा है। हाँ, तो एनसीपी का ही काम होता था। हाँ, 75,000 करोड़ तो हमारे लोगों ने खाया है एक जगह, बाकी तो बहुत कुछ है। तो ऐसा है ना कि नमक को जागाना पड़ता है, वैसा उन्होंने जो नमक 2.5 साल हमको खिलाया तो एकदम ही लाठ मार के नहीं निकालेंगे जी, हाथ मार के निकालेंगे। हाथ से भी निकाल सकते हैं ना, धक्का दे सकते हैं ऐसा, और लात मार के भी निकाला जाए। तो शरद पवार की पॉलिसी ये है कि इनको लात मार के नहीं भगाना है, इनको हाथ से ढकल देना है। तो वो चालू है, वो अनेक तरह से चालू है। अभी देखो संजय, अपना दोस्त संजय, दोस्त बोले बिना नहीं होता है, अभी जब भूमिका विशद करता है सुबह तो राष्ट्रवादी की ओर से कुछ नहीं बोलता है, राष्ट्रवादी के लिए भी नहीं बोलता है। वो बोलता है कि राष्ट्रवादी का सवाल राष्ट्रवादी को पूछो, पहले उनका भी बोलता था ना। हाँ, नवाब मलिक को पकड़ा, अनिल देशमुख को पकड़ा, तो भाई राष्ट्रवादी वाले नहीं बोल रहे थे इतना तो संजय बोल रहा था। अभी उसको मालूम पड़ गया है कि अभी इधर धक्का खाने की लाइन है, हम धक्का खा चुके हैं। उद्धव को पता दिया गया है कि अभी सर क्या होता है ना, कभी कभी एक हादसे से मनमुटाव हो जाता है, तब उससे बोलते हैं कि अपन दोस्ती ठेवूया नको, बोलूया नको, एकमेकाशी काही संबंध ठेवूया नको, पण एकमेकाचं शत्रुत्व करूया नको, ऐसा बोलते हैं। वैसेही उन्होंने बोल दिया कि भाई हम शत्रु नहीं है मगर मित्र नहीं, तो मित्र नहीं है तो अभी ये तो कैसा हो गया कि व्हील चेयर थी जी, ये तो अपंग हो गए थे बेचारे पॉलिटिकली, फिजिकली तो अभी बेचारे है खड़े है कैसे। अभी थोड़े दिन के बाद आपको ऐसा दिखेगा शरद पवार कैसे चलते हैं, वो बॉडीगार्ड कहाँ जी है, ऐसे चलते। मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको तारीफ करता हूँ सर,
ये उम्र में, 82 की उम्र में वो भी चलता है, खुद के पैरों पे व्हीलचेयर ले सकता है, फिर भी नहीं है वो हाथ पकड़ के। वो तो थोड़े दिन के बाद वो तो भी आपको दिखेगा ऐसा ऐसा, क्योंकि वो स्टाइल है ना उसकी सबको ऐसा हाथ करने का कि मेरे को विदाई करो, मेरे को विदाई करो। मैं तो उसका अर्थ ही निकालता हूँ, मेरे को विदा करो, अब मेरे ज़्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं रहे, मैं निवृत्त होकर कोपोली के फार्म हाउस में जाने वाला हूँ। वो ऐसा ही रहता है उनका। तो अभी उनकी व्हील चेयर थी जिसके ऊपर बैठ के वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो व्हील चेयर सुप्रिया दाई ने छीन ली है, अब क्या करें। तो उन्होंने कांग्रेस की बैसाखी जो है उसका आधार लेना शुरू किया, दोनों इसमें पो पकड़ के इधर पटोले, इधर ये वडे टिवार ना उनका विरोधी पक्ष नेता, वो एक वडे टिवार, एक ये बैसाखी वार, वेटीवार नहीं नहीं मनगुंटीवार जो है वो बीजेपी का है, वडे टिवार है, वडे टिवार है। तो वो बैसाखी दो लेके वो चलने की कोशिश में है। अभी उन्होंने क्या हो रहा है ना, उनका अकेलापन का जो प्रॉब्लम है ना वो हम बता रहे हैं, धीरे धीरे सब जगह आ रहा है, सभी चैनल को पता चल गया है। क्या है ना, कुछ उनके चपड़चू है जी, वो जो चपड़चू है सर, आज मैंने वो बूम लेके घूमते हैं ना सुबह, उनके लिए कैसा शब्द निकाला है, क्या निकाला है कि ये सब बूम लेके घूमते हैं, बूमड़े है ऐसा कुछ निकाला है, तो बूमड़े है। तो वो बूमड़े जो है उनमें से कुछ बूमड़े अभी इनके साथ जो है वो लोगों को पता नहीं करने दे रहे कि ये टूट गई है इनकी रिश्ता, वो अभी तक ऐसा दिखाते हैं कि तीनों मिलके ही है, जबकि नहीं है। अभी इनका प्रॉब्लम ये है कि कोई इनके साथ नहीं है। वो एक जमाना था सर बाला साहब का ही कि जब उनको कोई साथ में लेने को तैयार नहीं, जब बीजेपी ने लिया उनको। हाँ सर, इनका बहिष्कार था कांग्रेस वालों का सबका। कांग्रेस का एक जमाने में रजनी पटेल थे, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने ये किया था शिवसेना का उद्घाटन में, सभा में हाजिर थे, रामराव अधिक हाजिर थे, मालूम नहीं आपको, शिवसेना के उद्घाटन में ये दोनों हाजिर थे, क्योंकि शिवसेना को वसंत सेना ही बोला जाता था, वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री थे उनकी, इससे वो ऐसा बोलते थे। तो उस समय भी बाकी लोगों का बहिष्कार था, लेफ्ट पार्टी सभी सभी का। तो अभी ये इनके ये भी बहिष्कृत कर दिया है इनको। तो अभी ये क्या दिखा रहे हैं कि भाई मेरी व्हील चेयर तो गई और मेरे पास बैसाखी है, ये तुम्हारा वडेट्टीवार है और ये है, वो दिखाने के लिए उन्होंने पटोले इसके लिए उन्होंने उनको बुला लिया कि भाई आके कम से कम बात करो, चर्चा करो, सीट कौन सी सीट रही है, सीट शेयरिंग क्या करेंगे। इनके खासदार 18 में से 12 चले गए, 6 बाकी हैं। तो जब बैठेंगे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, इनको भ्रम में रखेंगे कि अभी से क्यों झगड़ा लेने का, जब बोलेंगे वो तब बोलेंगे आपके जो विद्यमान है, तब तक उसमें से 2 जा चुके होंगे, 4 ही रहेंगे, वो 4 दे देते हैं आपको चाहिए तो, और 4 दे देते हैं जहाँ पे हारना ही है, ऐसे 4 और दे देते हैं तुमको, है ना। तो उनको लोकसभा में कोई, सर मैं अभी आपको शर्त लगाता हूँ, फिर 1,00,000 शिवसेना को 10 से, शिवसेना उबाटा, हाँ उबाटा 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी, 48 में से। कांग्रेस कितना लेगी सर? कांग्रेस 20 लेगी, 1/3। 20 बोले तो 48 में 20 सर ऑलमोस्ट आधा हो गया, वही इनको 10-12 हो गए, 32 और 48 है वो पावर सर, 48 में से 32 बजा करने के बाद उनको मान लेंगे सर, झक मार के मारना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, फिर एक अकेले लड़ना पड़ेगा, सब पे लड़ो, 48 ही ले लो। हाँ तो सर पावर सबके जो आते हैं वो 3 आएंगे उसमें, कांग्रेस के ज्यादा आएंगे सर इस बार, पिछली बार एक बार आया, एक ही आया था ना, इस बार लिख लो आप कांग्रेस के कम से कम 6 या 8 आएंगे। क्या बात, कांग्रेस का माहौल है लोगों में, है लोगों में, महाराष्ट्र में मतलब लोगों के अंदर ही अंदर है, और वो भाजपा की भड़ास निकालने के लिए वो शिवसेना पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी उधर जा सकते हैं, कौन सी शिवसेना, इसकी उपाठा की भी, हाँ वो भी जा सकते हैं। पवार साहब तो क्या, उनका एक पांव इधर भाजपा में और एक इधर, वो उनका भी भरोसा नहीं करेंगे, मगर कांग्रेस का मतलब बीजेपी के जो विरोधी है वो देखो कैसा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मतलब बीजेपी जो विरोधी है वो कांग्रेस में ही जाएंगे। तो बीजेपी के विरोध में असल में देश में नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस ही,
आपको मानना पड़ेगा, ये उबाठा वगैरह कुछ नहीं है, उनकी ताकत भी नहीं है बेचारे की, और फिजिकली भी वो अभी उबाठा कितनी सीट आ सकती है आपके हिसाब से, अगर अलायंस अभी रहा तो? अलायंस नहीं रहा तो? रहा तो, रहा रहा तो आपकी गाड़ी अगर चुनाव लड़ती है 48 मिल के, पवार यानी पवार साहब और कांग्रेस दो तो से ज्यादा नहीं आएगी अकेले उबाठा जी, 18 में से दो नहीं, 18 बोल रहे, 48 में से बोल रहा हूँ, नहीं 18 थी ना इनके तो आएगी दो से ज्यादा नहीं आएगी। पवार साहब की और सब की 3 या 5 तो आती है, कुछ भी हो इस बात तो कम हो जाएगी ना, अजीत पवार जी नहीं है इसमें, नहीं वो पवार साहब की सीटें हैं, अजीत दादा खेलेंगे, अजीत दादा गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पुणे के पालक मंत्री भी अभी हो गए, मगर मुश्किल है सर सुप्रिया को गिराना। इधर इनका पूछ लिया तो इधर मैं थोड़ा सा इधर पूछ लेता हूँ, सिंधे साहब कितनी सीट आएंगे आपके हिसाब से? सर आज नहीं बताऊंगा मैं अच्छा अजीत पवार बता दीजिए, 6 आएंगे अजीत पवार 6 आएंगे आए, क्यों बीजेपी के साथ है ना, अच्छा उसका फायदा इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। और ओवरऑल बीजेपी मतलब एनडीए कितना आएगा ओवरऑल इंडिया महाराष्ट्र में 48 में से 36 से 38 इसमें 42 है ना, 42 है इसमें 42 तो कम हो जाएगा, कम तो होने वाला। तो अभी हमारा सर सब्जेक्ट हम भाग गए किधर, सब्जेक्ट क्या था, मजा आता है लेकिन सब्जेक्ट मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, सब्जेक्ट यही था ना सर, कभी कभी इसमें जा रखे देखना पड़ता है कि उद्धव ठाकरे आप कांग्रेस की बैसाखी लेके चलेंगे, राष्ट्रवादी की चेयर सुप्रिया ने छीन लिया, तो ठीक है सब्जेक्ट यही था, हम सही रास्ते पे रहे, मगर दोस्तों क्या होता है ना हम गप्पा मार देना तो आपके साथ गप्पा मारने के सेंस होता है, भूल जाते कई बार उसको पूछता हूँ अरे अपना मूल विषय क्या होता, वो मेरी आदत भी है जी जी, चलो अच्छी आदत है तो आपका अभी जरा अपनी जो है प्रतिक्रिया बताइए व्हाट्सएप कमेंट में कि अगर चुनाव हुए तो लोकसभा के 48 सर, आप बोल रहे हैं इस समय चुनाव हुए, हाँ मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय ज्यादा फर्क नहीं रह गया सर, 5-6 महीना बचा है तो ज्यादा फर्क नहीं बोल सकते, लेकिन मौजूदा स्थिति में जो हालत है राजकीय हालत महाराष्ट्र की उसमें आप क्या मानते हैं कितनी सीट किसको मिल सकती है, थोड़ी सी अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो उसे आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। इसका मजा तब आएगा ना कि ये सब इलेक्शन हो जाएगा उसका चुनाव का निर्णय आएगा, और ये पूरा लोग सर क्या क्या रखते हैं अपना, यस रिकॉर्ड रखते हैं, अरे हमें नहीं पता रहता है, नहीं मैं तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ, तो कल परसों एक ने मेरे को एक तुम्हारा मेरा एक साल का ये भेजा और बोला उस समय आप बोल के रखे थे कि अजीत दादा राष्ट्रवादी से निकल जाएंगे, वही हुआ और वही हुआ बोले, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी, थैंक यू सर, तो ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप भी अगर आपके पास कुछ नॉलेज रहेगी तो बताइएगा कि कौन कितना सीट जीत सकता है, क्योंकि अब लोकसभा की तैयारी में सभी जुट गए हैं, सब अपने गुड़ा भाग चालू कर दिए हैं और सर्वे भी चालू है, तो आपके सर्वे में कुछ अगर दिखता है तो हमें ज़रूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ, हमारा जो रिक्वेस्ट है इसको फॉलो करिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।